श्री गुरु ग्रंथ साहब सैची चौथी। काम क्रोध तृष्णा के लीने गति ने एक के जाने, फूटी आंखें कछु न सुचे, बूढ़ी मुए बिन पानी। जनमानस काम क्रोध तृष्णा आदि में ग्रसित रहता है। काम क्रोध तृष्णा के लीने गति नहीं एक के जाने, प्रभु की गति को नहीं समझता है। काम क्रोध तृष्णा से ग्रसित रहता है, उसकी आंखें फूटी हैं, अर्थात अज्ञान अंध है, अज्ञानी है। उन्हें कोई सुझाई नहीं पड़ता है। वे पानी के बिना ही डूब मरते हैं, अर्थात अन्न आश्रित रहते हैं। फूटी आंखें कछु न सुझे, बुढ़ी मुए बिन पानी। चलत कत टिड्डे टिड्डे टिड्डे, अस्थि चरम विष्टा के मुद्दे, दुर्गंध ही के बेटे। वे सदैव विकृत चाल चलते हैं, अस्थि चरम और विष्टा से ढके हुए वे दुर्गंध में लिपटे रहते हैं। चलत कथ टेडे टेडे टेडे, अस्थि चरम विष्टा के मुद्दे, दुर्गंध ही के बेडे। राम न जपो कवन ब्रह्म पुल्ले, तुम ते कालू न दूरे, अनेक जेतन करी एहि तन राखूं, रहे अवस्था पूरे। पुनः कबीर ऐसे कुचारियों से संबोधित करते हैं कि तुम प्रभु राम का नाम हरि का नाम नहीं जपते, जाने किस भ्रम में भटक रहे हो। तुम नहीं जानते कि मृत्यु तुमसे दूर नहीं है, अनेक यतन पूर्वक शरीर का पोषण करते हो, किंतु आयु चक्र जाने पर इसका क्या होगा। राम ना जपो कवन प्रम पुल्ले, तुमसे कालू न दूरे, अनेक जतन करी इह तन राखूं, रहे अवस्था पूरी। आपन किया कछु न होवे, किया को करे प्राणी, जब तिसु पावे सतगुर पेटे, एको नाम बखानी। हे प्राणी, अपना किया कुछ नहीं होता, तुम क्या करते हो। यदि प्रभु को रुचे तो सतगुर से तुम्हारी भेंट होगी और वही तुम्हें हरि नाम रहस्य का ज्ञान देगा। आपन किया कहूँ ना होवे, किया को करे परानी, या तिसो पावे सतगुर पेटे, एको नाम बखानी। बलुआ के करुआ मही वस्ते फुलवत दे आई आने, कहे कबीर जी राम न चेतियो, बुड्ढे बहुत से आने। बालू के घर में रह करके ये मूर्ख शेर का अभिमान करता है। कबीर जी कहते हैं कि जिसने कभी हरि नाम नहीं जपा, वह कितना भी सयाना और ज्ञानवान बने, उसका अंत खेदजनक ही होता है। बलुआ के करुआ मही वस्ते फुलवत दे अयाने, कहे कबीर जी राम न चेत्यो, बुढ़े बहुत सयाने। टेढ़ी पाग टेढ़े चले लागे बीरे खान, पाउ पगती सो काजू न कछुए, मेरो कामो दीवान। यौवन अवस्था में मनुष्य टेढ़ी पगड़ी पहन करके घूमते चलते और पान बीड़ा खाने लगते हैं। टेढ़ी पाग टेढ़े चले लागे बीरे खान, भाव भक्ति से उनका कोई वास्ता नहीं रहता। वे सोचते हैं कि उनका कार्य तो शासन करना है। पाउ पगति सो कछु न कछिए, पाउ भक्ति सो काजू ना कछुए, मेरो काम दीवान। वे अभिमान में राम नाम को विस्मृत कर देते हैं और कनक कामनी एवं सुंदर नारियों को देख देख कर ही अपना लक्ष्य सिद्ध मानते हैं। रामो बिसारे हैं अभिमानी, कनक कामनी महासुंदरी, पेखी पेखी सच्चू मानी। लालच झूठ विकार महामद,
एह विधि औद बिहानी कहे कबीर अंत की बेराई लागो कालु निदानी। लोभ मिथ्या की विकृति प्रवृत्तियां एम अभिमान में ही उसकी समुची आयु बीत जाती है। लालच झूठ विकार महामद ई विधि औद बिहानी। कबीर जी कहते हैं कि अंततः मृत्यु आकर के उन्हें घेर लेती है। वे अध्यात्म के साधन से पूर्णता असफल रह जाते हैं। कहे कबीर अंत के बैर आई लागो कालू निदानी। चार दिन अपनी नवती चले बजाई इतने को खटिया गठिया मठिया संगी ना कुछ ले जाई। बिहरी बैठी मिहरी रोवे द्वारे लव संगमाई मरहट लगी सब लोग कुटुंबो मिलो हंसु अकेला जाए। चार दिन वे लोग अपना डंका बजा करके चल देते हैं और सैकड़ों यत्नों से एकत्रित एवं गठड़ियों धरती में छिपा कर रखी दौलत का अंश भी साथ नहीं जाता। इतने को खटिया गठिया मटिया संग ना कुछ ले जाए। बाद में दहलीज में बैठ करके पत्नी बिलखती है और द्वार के संग लगी मां रोती रह जाती है। कुटुंब के अन्य नातेदार शमशान भूमि तक साथ देते हैं। आगे तो समूची यात्रा हंस अर्थात आत्मा को अकेले ही करनी होती है। दिहरी बैठी मिहरी रोवे द्वारे लग संगमाई मरहट लगी सब लोग कुटुंब मिली अंसु गेला जाए। बेसुत बे बित बेपुर पाटन बहु ना देखे आई कहतु कबीर राम की ना सिमरूं जन्मों कारथ जाए। जी को अपने पुत्र वह धन वह नगर और वह गरियां पुनः देखने को नहीं मिलती। कबीर जी कहते हैं कि यदि राम नाम का स्मरण नहीं किया तो समूचा जीवन बेकार व्यर्थ। कहो तो कबीर राम की नाम सिमरू जन्मों अकारथ जाएं।